इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। चक्रवर्ती जी महाराज ने देखा, गुरुदेव परम प्रसन्न है और गुरुदेव ने देखा कि चक्रवर्ती जी परम प्रसन्न है। ध्यान रखिएगा, हमसे तो कोई पूछवे न करे कि महाराज सेवा बताओ, हम तो सीधे कहते हा। चक्रवर्ती जी महाराज ने हाथ जोड़कर सभी ने कहा, के ही कारण आगमन तुम्हारा कहो सो करत नला। प्रभु, आपका आगमन किस कारण से हुआ है कहिए, आप कहेंगे और मैं पालन करूंगा। स्कंद पुराण में भगवान भूत भावन कहते हैं, परमार्थ के लिए, यज्ञ के लिए भगवान के नाम से कोई भी कार्य हो रहा हो उसके लिए, सेवा के लिए, लोकमंगल मने अस्पताल के लिए भी यदि मांगना पड़े तो वह मांगना धर्म है। स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन है। खंड कभी कभी दर्शन करिए, बड़ा अद्भुत है। तो अब प्रश्न आया कि चक्रवर्ती जी महाराज ने कह तो दिया, और ये एक श्वाकु वंश की परंपरा है। कल श्री महाराज जी सुना रहे थे कि कोई सामान्य व्यवहार ये नहीं करता, वंश अलौकिक व्यवहार में विश्वास करता है। चक्रवर्ती जी ने निवेदन किया, के ही कारण आगमन तुम्हारा, आपके आगमन का कारण क्या है कहिए, विलंब नहीं करूंगा, जो कहिएगा वही पूरा करूंगा। अवसर उत्तम पाकर गुरुदेव भगवान बोले, असुर समूह सतावई मोही, मैं जाचन आयम नृप तो अनुज समेत देव रघुनाथ निसचर मैं हो। देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम कहो इन कह अति कल। राजन, निशाचर लोग हमको सता रहे, हम आपसे मांगने आए। क्या मांगने आए? छोटे भैया समेत रघुनाथ जी को दीजिए, निशाचरों का वध होगा और मैं भी आनंदित हो जाऊंगा। सनाथ लिखा है, सनाथ कहा है, क्यों? अरे
अब तक भगवान आपके पास रहे, अब भगवान हमारे पास आ जाए। पहले महापुरुष लोग जल्दी दीक्षा नहीं दिया करते थे, लोग नाक रगड़ते थे महाराज कृपा करो, सालन घसीटत चेला, तब गुरु महाराज कहे अच्छा जा पूर्णिमा की अहिया जा, महाराज काका ले आवे अब शरीर लेके आइया जा दीक्षा। शिष्य भी तप जाता था, पक जाता था, विधि करना। भगवत चरणों की प्रीत में जितनी तितिक्षा हो, जितना जीव जगा हो, उतना ही नाम लेने के बाद उसकी अनुरक्ति और दृढ़ता को प्राप्त हो, जितना हो। सीधा सीधा चक्रवर्ती जी महाराज से गुरुदेव ने कहा, छोटे भैया समेत रघुराज जी को दीजिए, मैं सनात होऊंगा। और देखिए, मांगने के बाद चक्रवर्ती जी महाराज के पति गुरुदेव क्या कहते हैं, प्रसन्न मन से दीजिए, रोके नहीं। देहु भूप मन हर्षित तजो मो। अब आप जरा ध्यान से इस प्रसंग का दर्शन करिए, कल वाले प्रसंग में प्रवेश करिए। पोथी जी जो लिए होंगे, भगवान के जन्म हेतु यह सब चरित कहा मैं गाई, आगिन कथा सुनो मन लाई। तो ये यहाँ ये प्रसंग है, भगवान के जन्म के समय अवधपुरी कौशल मनिराऊ, वेद विदित तेहि दशरथ, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग। अब वहां चक्रवर्ती जी महाराज के लिए बाबा भूत भावन कहते हैं, देवी ज्ञानी हैं, महाराज विज्ञानी हैं, धर्म की धुरी को धारण करते हैं, धर्म तत्व जानते हैं, त्रेता में यज्ञ रक्षा यज्ञ संपन्न करना ये प्रधान धर्म है। यज्ञ भगवान की कृपा से ही इनको चारों पुत्रों की प्राप्ति है। तीसरी बात, रघुवंश की परंपरा रही है कि द्वार पर कोई मांगने वाला आएगा तो खाली वापस नहीं जाएगा, यहां का विधान है, कोई आए। ज्ञानी को मोह कहां हो, मोह क्या है, अज्ञान पर जो सत्य नहीं है उसको जानकर और यही सत्य मान लेना, इसी के आगे लिखिए मोह। सत्य नहीं है इसी को सत्य मान लेना और यही वास्तविक सत्य है, रियल फेज है ज्ञान का, यह मानना ही मोह है। चक्रवर्ती जी महाराज के पास मोह कहां, हृदय भगति मति सारंग पानी, मोह नहीं। परंतु गुरुदेव ने जब मांगा है बालकों को तो उन्होंने चक्रवर्ती जी के स्वरूप का दिव्य दर्शन किया और देखा इनका तो चेहरे में उतर ही गया। तब गुरु जी कहते हैं, तजहु मोह धर्म सुजस प्रभु तुम को इन कहति धर्म और कीर्ति, सुयस माने कीर्ति, धर्म साधन होगा। धर्म के चार चरण है, सत्य दया तप और दान। सत्य सर्वकाल में प्रधान धर्म है, दया त्रेता में प्रधान धर्म, द्वापर में तप दया
सत्य और कलिकाल में केवल एक अतो दान। कहीं करिए निकलने की वृत्ति हो, लेकिन प्रकट चारि पद धर्म के कलिम हो एक। कहीं भी कितना दान में यह विचार नहीं करना कि कितना कर रहे हैं, कर रहे हैं इसका विचार करना है। कितना सामग्री की मात्रा का महत्व नहीं है। यहां भी लिखा है गर्मी में जल दान, भूख लगी हो तो अन्न दान, सर्वकाल, जाड़े में वस्त्र दान। ये संविधा, जाड़े में किसी को ठंड लग रही हो वहां पर अलाव जला दिया, ये भी दान है, लेकिन उसको अग्निदान नहीं बोल सकते, अग्निदान अंत में होता है। हाँ, कोई सुना रहे थे कि अग्निदान की बड़ी महिमा है, अरे क्या बोलना है, जो मन करे तो बोलना। तो एक किसी की शीतलता लगी हो उसको उष्णता प्रदान करना, ये भी दान है। जिसको जो वस्तु आवश्यक है जीव पालन करने के लिए, जीवन सुरक्षित रखने के लिए, वह भेंट करना, ये दान की महिमा में आता है। देने वाला कभी दुखी नहीं होता, संग्रह करने वाला कभी सुखी नहीं रहता। जो संग्रही जीव है उसके घर वाले भी मनाते हैं कि न जाने इनका कब नंबर आई, कहे जाए तो हम लोग मौज करें, इसलिए संग्रह तो करने ही नहीं। संग्रह में नहीं रहना, कहे में रहना महाराज, अपरिग्रही भाव में रहना है। दर्शन करिए, दर्शन करिए। चक्रवर्ती जी महाराज को गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी को समझाना पड़ा, देव भूप मन हर्षित, देना सदैव प्रसन्न मन से चाहिए, रोकर नहीं देना चाहिए। अच्छा, रोना है तो देने की आवश्यकता ही क्या है भाई, मत दो, धरे रहो। रोकर कोई काम नहीं करना चाहिए। कई लोगन के लगाए थे आज ठाकुर सेवा आप करी है, अब रोज रोज हम ठाकुर सेवा करें, ले हो गई सेवा। जब आपको रोना है तो आप न करो, ठीक है। जीवन के किसी भी व्यवहार में ये रोकर कार्यक्रम बढ़ाना ठीक नहीं। और आप जहां कथा श्रवण कर रहे हैं, वस्तुतः ये रामार्चन मंदिरम का सदगुरुओं की संकल्प भूमि है, तो प्लीज जितने लोग सुन रहे हैं इस दिव्य मंदिर में तो रोकर कदापि मत दीजिएगा, न दीजिएगा, यहाँ न दीजिएगा भैया, यहाँ से और ले जाइए। हमारे सरकार के तो दहिना हाथ में खुजली होती रहती है, खूब ले जाइए। यहाँ तो वही दे भैया, एक है, देखो एक रुपये की भी हम लोग बड़ी महिमा मानते हैं। हम तो ऐसे फैला लेते हैं, आओ पहले झटक देते थे, काहे जीव, गुरुदेव भगवान कहते हैं बेटा काहे नहीं तो मानता है, जीव को सब कुछ आता है, देने की प्रवृत्ति नहीं आती। इसलिए बोला कर जहां जाओ देते रहो, देते रहो, दोगे तो बढ़ेगा, नहीं दोगे तो घटेगा, धरे धरे सड़ेगा, काम नहीं आएगा। गीता जी में न्याय है कि त्याग से शांति मिलती है। बच्चों के सुख के लिए व्यवस्था बढ़ाइए। हमसे कोई मिलता है, हम कहते रहे यार मौज में रहो, आनंद के साथ रहो, कहां खटखट। गुरुदेव भगवान कहते हैं प्रसन्न मन से दीजिए, आपकी कीर्ति बढ़ेगी, धर्म साधन होगा और इन बच्चों का कल्याण होगा। माता पिता, बाबा दादा दादी, नाना नानी, परिवार, जहां पर धर्म तत्व के विवेचनी करने वाले लोग, धर्म तत्व में रहने वाले लोग रहते हैं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।